एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, और मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो शाम के बज रहे हैं 4:30, और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए। आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करूँगी, और उससे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। आज मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट से लेके आना है थोड़ा ग्रॉसरी का सामान। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और बातें करके थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी अपना यूनिक रूटीन। शो से पहले गाइस आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोग को, मेक श्योर यू लाइक करा करिए वीडियो को प्लीज़ गाइस, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और कोशिश करती हूँ, हर बार यही कोशिश करती हूँ गाइस कि मेरा वीडियो और अच्छा हो, आप लोग को और पसंद आए, और उम्मीद यही करती हूँ कि आगे आप लोग को पसंद आता रहेगा मेरा वीडियो। सो गाइस चलिए मुंह धो फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आप लोग से बातें करती हूँ तैयार होने के बाद। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे ग्रोसरी का सामान लेने जाना है मार्केट, तो मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए। चलिए आ जाइए आप भी। सो गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट में, देखिए मैं ले रही हूँ ग्रोसरी का सामान, और फिर अब मैं बाहर निकलूँगी लेने के बाद, फिर मिलते हैं घर पे। तो आ गई अब मैं घर, देख सकते हैं आप मुझे, और ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था ग्रोसरी का। मैंने आपको बोला था कि मुझे मार्केट जाना है ग्रोसरी का सामान लेने, तो जो सामान है वो मैं लेके आ गई हूँ, और अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी मैं लेके जैसे भी आई हूँ। बट ये सामान तो हर कोई यूज़ करता है, ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मम्मी जैसे मेरी मदर इन लोग बोल रही थी कि मार्केट चलना है, मैंने कहा चलो फिर, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर ली। और अब मैंने हाथ वगैरह और पैर वगैरह अच्छे से वॉश कर लिया, अब करूँगी कपड़े चेंज, और अब बनाऊँगी मैं खाना। तो चलिए देखते हैं आज डिनर में क्या बनता है और क्या खाएँगे। वैसे आज एकादशी है, ज़्यादा कुछ तो बनेगा नहीं, पहले तो फरहार बनेगा, उसके बाद फिर कुछ बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा, और फिर मिलते हैं आपसे, अब किचन में मिलती हूँ मैं आपसे, जब तक मैं गाइस कपड़े चेंज कर लूँ। बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी जल्दी गर्मी पड़ने लग जाएगी सोचा भी नहीं था, और आप देख सकते हैं। तो अब चल रही हूँ मैं नीचे, खाना बनाऊँगी गाइस, और फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस देख लीजिए, मैं ये लेके आई हूँ, थोड़ा सा सामान है ग्रोसरी का, तो मैंने इसलिए आपसे ज़्यादा सही से नहीं दिखाया, ये देख लीजिए। और अब मेरा मूड हो रहा है चाय बनाने का गाइस, तब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। तो देखिए चाय कैसे बना रही हूँ मैं, वैसे तो सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन मैंने सोचा अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या करती हूँ मैं क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ गाइस। चाय पत्ती डाल ली है और अदरक भी डाल लिया है, अब थोड़ा सा फ्लेम तेज करके और मैं चाय को अच्छी तरीके से पका लूँगी। अब उसके बाद डालूँगी दूध, और दूध डालने के बाद हमारी चाय जो है बॉयल हो गई, हो जाएगी। मैंने चाय छान ली है अपनी, और इसके बाद अब चाय छानने के बाद ये देखिए बगल में हमने आलू रख दिया है, आलू बॉयल हो रहा है फरहार के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आज एकादशी है। और अब मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है, मेरे पास जल्दी ख़त्म हो जाएगा चाय पीने का क्या दिखाना। और उसके बाद फिर यहाँ पे मदर इन लॉ अब जा रही है मेरी सब्जी बनाने, वही फरहार, उन्होंने थोड़ा सा तिल का तेल लिया है, अब जीरा डालेंगी थोड़ा सा, और उसके बाद वो गर्म होने के बाद प्याज तो डलेगा नहीं, टमाटर और मिर्च, ये देखिए गाइस मिर्च और टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छे से वो पक जाए टमाटर, उसके बाद उसमें आलू डाल देंगे। अभी देखिए टमाटर को भूना जा रहा है, उसके बाद आलू, ये देखिए आलू डाल दिया है, आलू डालने के बाद उसमें पानी डाल दिया जाएगा, कि उसकी पापा जो है वो सूखी नहीं खाते हैं, वो गीली ही खाते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी वाले, तो अब उसे गीला कर दिया है। और उसमें डालेंगे अब व्रत वाला नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ी देर इसके ढकने के बाद हरा धनिया डाल के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, वो पक गया अच्छे से, और अब हम इसे उतार लेंगे ढक के। सो गाइज़ मैंने ज़्यादा पूरा नहीं शेयर किया, जितना शेयर किया आप देख लीजिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ दलिया हमारे खाने के लिए, जिसमें मैंने गाजर मटर काटा है, और प्याज प्याज हैं, थोड़े से लहसुन है, एक टमाटर है, थोड़ी सी मिर्ची है, 4 से 5 मिर्ची है, थोड़ा सा दलिया 1 गिलास,
और हरा धनिया कटा हुआ। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग और लहसुन। अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, प्याज अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी गाजर। प्याज भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर गाजर, जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, गाजर और मटर का ही यूज़ कर रही हूँ। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन, तब मैं इसमें डाल दूँगी मटर गाजर। उसके बाद मटर गाजर डालने के बाद उसे अच्छे से भून लूँगी, भूनने के थोड़ा ढक के पका लेंगे, और जब थोड़ी देर पक जाएगा ये सब्जियाँ, जब थोड़ी देर पक जाएगी उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो मैंने मिर्ची और टमाटर काट के रखी थी, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर। एक टमाटर लिया था, 4 से 5 मिर्ची है, ग्रीन चिल्ली है, अभी इसके अंदर डाल के मैं इसे थोड़ी देर ढक के फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी गाइस। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और मैं अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालूंगी। अब इसमें इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स करने के बाद मैं इसमें लगा दूंगी, इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो थोड़ा सा देर ढक्कन लगाने के बाद पका देंगे इसको। पकाने के बाद, हल्का सा पकने के बाद, अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दलिया, जो हमने पहले से धो के रख रखा था। दलिया ज़्यादा नहीं लिया है गैस, कि उसकी 3 लोग खाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा दलिया लिया है मैंने, 1 गिलास, बड़ी गिलास से 1 गिलास लिया है। थोड़ी सी सब्जी भी डाल दी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए कहे कि दलिया ही बना लेते हैं। ये देखिए मैंने दलिया डाल दिया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पानी, और पानी आप अपने अनुसार डालिए। जैसे मैंने 1 गिलास दलिया लिया है, तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें, तो पानी को अच्छे से इसमें सही से मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूँगी गाइस, हल्का सा पानी और डलेगा, देख लीजिए। अब मैं थोड़ा पानी और डाल दूँगी इसके अंदर, और उसके बाद इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ये देखिए थोड़ा और पानी डाल दिया। अब इसमें ढक्कन लगाने के बाद, सीटी आने बाद, ये मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। हमारा दलिया जो है तैयार हो चुका है, हरा धनिया डाल करके मैंने सर्व कर दिया, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, आप भी दीजिए। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।